तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो है ना वो इस्त्री कर लिए जाने के लिए। आज माइयों की तकरीब है और जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, और यहीं से मैंने अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मेरा दुपट्टा है इसके साथ जो मैंने लिया था, मैं आज ये पहनने वाली हूँ। ये उमैसा के कपड़े हैं जो मैंने आपको लास्ट दिखाए थे लास्ट व्लॉग में, और बच्चों के कपड़े नहीं दिखाए थे, तो ये बच्चों की टी शर्ट्स हैं, वो लोग आज टी शर्ट्स पहनेंगे डिफरेंट डिफरेंट। जाने से पहले हम अपनी पेट पूजा करके जा रहे हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ हमने मंगाई भी है चना चाट, इसको खा के तैयारी पकड़ते हैं फिर। यहाँ पे मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया है और ये प्राइमर लगाया है मैंने, प्राइमर लगा के छोड़ा है भी थोड़ी देर। फाउंडेशन लगाऊंगी, ये वाला प्राइमर था, फाउंडेशन लगाऊंगी, ये फाउंडेशन लगाऊंगी, और थोड़ा सा मैंने इधर फाउंडेशन ले लिया है, और ये कंसीलर देखते हुए लगाते तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे यूज़ होगा। अभी मैंने जो है ना आइस का मेकअप किया है, और अभी आई लैशेज लगाऊँगी, फर्स्ट टाइम आई लैशेज लगा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे लगेगी। पहले तो पहले भी लगाई है लेकिन वो कोई और हेल्प कर देता था, आज खुद से लगाने की कोशिश करूँगी तो देखिए कैसा आपका मेकअप कैसा लग रहा है। मेरा बहुत लाइट किया हुआ है, तो देखिए मैंने जो है लगा तो लिए, और अभी ऊपर लाइनर लगाऊँगी, बड़ी मुश्किल से लगी है, थोड़ा सा मैंने कट किया था लेकिन मैंने लगा ली, वो शायद बहुत बड़ी हो रही थी। अब बताइएगा सही लगी है नहीं लगी है, फर्स्ट टाइम खुद ट्राई किया है तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से सही लगी है नहीं लगी। अभी दूसरा आँख में लगाती हूँ। तो इधर उमैसा हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए हमारी गुड़िया तो कितनी प्यारी लग रही है, ये देखिए इसका पटियाला, और अपने जो है ना खुश हैं आप वो पहन लीजिएगा, ठीक है। ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला तैयार हो गए, ये अब्दुल्ला के है, यहाँ भाई अब्दुल हादी तैयार हो गए हैं। अब्दुल हादी शूज़, ये शूज़ नहीं पहनी है, दूसरे शूज़ निकालो, दूसरे वाले निकालो, और अब्दुल्ला तुम भी शूज़ पहन के बैठो बेटा, देर हो रही है, आइए पिक्चर बनाओ मैं आप। तो यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई हूँ, बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और जो है गर्मी इतनी हो रही है कि बस तैयार होने के बाद पसीना आना शुरू होता है। बाल का कोई स्टाइल मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ से मुझे वैसे भी दुपट्टा पूरा कवर करके जाना होगा बाइक के ऊपर, तो वहाँ जाके देखूँगी बाल ऐसे ही छोड़ दूँ या फिर जो है पूरे खुले खुद छोड़ दूँ या फिर इसी तरह से कैचर लगा के रखूँ, वहाँ जाके देखें कैसा क्या करती हूँ। हमें जाना है नाजमाबाद, हाँ नाजमाबाद जाना है शायद ना, नॉर्थ नाजमाबाद या नाजमाबाद ऐसे ही कुछ है, तो उस साइड पर जाना है। तो ये मेरा दुपट्टा है और ये मेरा आउटफिट है, और देखिएगा ये मेरी सैंडल्स हैं, ये मैंने पहनी हैं। अरे उठो खड़ी हो, ये हमारी मेज़ा है, इसने मज़ीद चीज़ें लगा ली हैं, सब उतारूंगी मैं अभी, ये सब पहन के नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल पहनती है, तो बस फिर अब वहीं चल के आपसे मुलाकात करते हैं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, यहाँ पर निकाह हो चुका है और अभी अभी बस थोड़ी देर पहले मैं पहुँची थी, तो देखा कि मैंने वीडियो बनाई है अभी, और थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन सही है, अभी तकरीबन स्टार्ट हुई है, ये हमारी दुल्हन है।
और यहाँ आ गए थे मज़ेदार से गोल गप्पे जो स्टार्टर में रखे गए थे और इधर बड़े मज़े से खाए जा रहे हैं। और यहाँ पर सारी कज़न्स जो है वो मेहंदी लेकर आ गई थी क्योंकि शादी जो है वो आपस में ही ख़ानदान के बीच में हुई हुई है, यानी कि लड़की का ददियाल और ननियाल, हम ननियाल वाले और जो है ददियाल में शादी है पप्पो के घर, तो पप्पो के घर उसकी शादी हुई है। तो यहाँ पर समझ लें कि एक ही तरह से हम सभी थे, कोई अलग से कोई फैमिली नहीं थी, ख़ानदान वाले ही सारे थे। तो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अच्छा काम है ना तुम्हारे लिए। और फिर यहाँ पर रस्में शुरू हो गई थी, साथ में जो है ये दादी बैठी हुई हैं दुल्हन की और दूल्हे की नानी लगती हैं, साथ बराबर में जो है वो दूल्हे की अम्मी अब्बू बैठे हैं साथ में। बड़ी मुश्किल से उठा के लेकर आई पिक्चर बनाने के लिए, पिक्चर ही नहीं बना रहे थे। ये दिखा दो ना, ये भाइयों की तकरीब में तुम भी आए हो, क्या बोलेंगे अपने अपने बच्चों की दिखाती रहती। और यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी उंगली पकड़ाई की रस्म। तो ये रस्म किस किस के घर में होती है, वैसे तो तकरीबन सारे घरों में होती होगी, सबके यहाँ ये रस्म काफ़ी मशहूर है कि उंगली पकड़ते हैं लड़के की और फिर सारे कज़न्स और बहन जो हैं वो फिर पैसों का मुतालबा करते हैं और इस रस्म में इतना टाइम लगता है ना। चलो भैया आप जाने की तैयारी पकड़े, चलो चलें। इवेंट ख़त्म होने के बाद जो है ना हम लोग सारी बहनें सिस्टर की तरफ ही आ गई थी क्योंकि रात में जो है वो थोड़ा सा मज़ीद हंगामा करने का इरादा था सारी कज़न्स का और जो है हम सब खालाएं भी पहुंच गए थे, तो रज्जगा टाइप का जो होता है और गुलगुले भी बने थे। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो आई होप को आपको ये पाकिस्तानी मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा लगा होगा और आप जो है क्या कहते हैं ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफिज़।